टू द चैनल स्मार्ट लर्निंग एकेडमी गाइस, मैं हूं अजय कुमार नामदेव। मैं आपके लिए यहां पे डीपीटी क्रैश कोर्स की जो सीरीज स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के द्वारा चलाई जा रही है, मैं उसमें जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट लेकर आपके लिए आया हूं। यहां पर हम डील करेंगे डीपीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जहां से मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। ये बेसिकली कोर्स जीवीटी 2020 के एस्पायरेंट्स जो हैं उनके लिए है। जो लोग लास्ट टाइम गेट की जो हमारा क्रैश कोर्स था, जिन लोगों ने वो ज्वाइन किया था, उन्हें पता होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और कोर्स कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ PYQs हैंडल करेंगे, जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो मैं ज्यादा टाइम लिए बिना आपका यहाँ पे मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डीवी 2019 के क्वेश्चंस की। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन था फैक्टोरियल्स का। फैक्टोरियल्स की अगर हम बात करते हैं तो फैक्टोरियल क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो रिलेटेड है वो फैक्टोरियल का है। फैक्टोरियल को हम एन फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसका इंटरप्रिटेशन होता है वो होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू वन। सिमिलरली एन फैक्टोरियल को हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो होता है एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को और इसी तरीके से हम इसको ब्रेक करते हुए जा सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, सॉरी एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। ऐसे एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल भी लिखा जाता है। तो ये यहाँ तक इस तरीके से वन तक पहुंचा जा सकता है। वन इज बेसिकली जीरो फैक्टोरियल। सो जिस तरीके से हम रिड्यूस कर करके एक एक से हम जीरो फैक्टोरियल तक जा सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। नाउ इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल आपको क्वेश्चन में गिवन है। 10 फैक्टोरियल को हम इस बेसिकली इस प्रॉपर्टी को यूज करके लिखेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। सिमिलरली 9 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कट कैंसिल, आप बचेंगे 9 इंटू 9, 10 इंटू 9 होता है 90। सो बेसिकली दिस इज योर आंसर। तो आपको ये बात अभी तक समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको डीपीटी में शायद ही कोई देखने मिले, जहां पे आप 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल ये कॉन्सेप्ट आप वैसे भी बीएससी एमएससी में कहीं ना कहीं आपको एक बार सामने आ ही जाता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो आपने कहीं भी पढ़ा होगा, वहां पे फैक्टोरियल आपने पढ़े ही होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, this is another question from 2019, and a cricketer has an average of 62 runs after playing 25 innings. How many runs should he score in the next innings so as to increase his average to 65 runs? Basically, this is the simple concept of average. इस क्वेश्चन को दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहला ये क्वेश्चन है जो है फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पे हम एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो हम देखेंगे, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ अब इस चीज को समझने की कोशिश, यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा टोटल नंबर ऑफ रन्स जो उसने सारी इनिंग्स में बनाए हैं अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज जो है 62 रन्स है और नंबर ऑफ इनिंग्स है 25। तो जो टोटल नंबर ऑफ रन्स होंगे वो कितने होंगे, 62 इंटू 25। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1550। Now, in the next line, what क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? How many runs should he score in the next innings so as to increase his average to 65 runs? Now, again, now the average is 65. Total runs आपको अभी यहाँ पे नहीं पता है 26 innings में, number of innings is 26. So now, total runs जो होंगे, वो हो जाएंगे 26 into 65. So this will be 1690. Now, ये 25 innings के runs है, ये 26 इनिंग्स के रन है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एक इनिंग का, वो है उसकी लास्ट इनिंग। लास्ट इनिंग्स का डिफरेंस है, लास्ट इनिंग में टोटल कितने रन बनाए होंगे उसने, वो होगा 26 इनिंग के टोटल नंबर ऑफ रन माइनस 25 इनिंग्स के टोटल नंबर ऑफ रन, दैट इज 1690 माइनस 1550। जो डिफरेंस है वो आएगा 140। दिस मच अमाउंट ऑफ रन ही हैज स्कोर्ड इन हिज लास्ट इनिंग्स एंड दिस इज योर आंसर। नाउ ये एक तरीका था फॉर्मूला वाला, जहां पे आपको समझ में आता होगा कि किस तरीके से एक क्वेश्चन को डील किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूं इसको सॉल्व करने की। यहां पे उसमें लिखा है कि 62 रन्स एवरेज है 25 इनिंग्स का एंड 65 रन इज एन एवरेज फॉर 26 इनिंग्स आफ्टर 26 इनिंग्स। तो आपने एक चीज नोटिस की कि यहां पे 25 इनिंग्स और 26 इनिंग्स, सिर्फ एक इनिंग का अंतर है, प्लस वन से मैं बोल सकता हूं। इस लास्ट इनिंग में
कितना रन उसको स्कोर करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर उसको एवरेज अपना 3 runs पर इनिंग से बढ़ाना है तो उसको हर इनिंग के लिए 3 runs पर इनिंग से एवरेज बढ़ेगा। तो 3 runs हर एक इनिंग के लिए, कितने इनिंग, 25 इनिंग्स के लिए उसको इतना स्कोर करना पड़ेंगे। तो 25 इनिंग्स के लिए 3 runs पर इनिंग के हिसाब से होते हैं 75 runs टोटल। और लास्ट में इनिंग में इन द 26th इन ऑल्सो उसको 65 runs उस पर्टिकुलर खुद 26th इनिंग के लिए भी स्कोर करना पड़ेंगे। तो फॉर 26th इनिंग ही विल स्कोर 65 runs। तो इन टोटल उसको कितने रन स्कोर करना पड़ेंगे, 5 + 5 = 10, 0, 7 + 6 = 13, 14। तो 140 रन उसको इन टोटल स्कोर करना पड़ेंगे। सो दिस इज हाउ आप अपने एप्टीट्यूड का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फॉर्मूले कितने लंबे प्रोसीजर से बच सकते हैं। यहाँ पे सिंपल एक ये स्टेप और एक ये स्टेप, इस चीज का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ये आपके लिए एवरेज बढ़ रहा हो एवरेज घट रहा हो ये दोनों जगह काम करता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है। मैं आपको पहली इस चीज के बारे में बता देता हूं कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आपको जो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने के लिए। तो आप क्या करेंगे इन सब क्वेश्चंस के लिए, मैं आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ। एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स वाला क्वेश्चन जो आता है, एक होता है मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन, एक होता है रॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन, और एक होता है ये नेक्स्ट टर्म वाला क्वेश्चन। ठीक है, इन 4 टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप बेसिकली जितना प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिए जाते हैं पैटर्न्स। हर एक क्वेश्चन में हर एक टाइप का पैटर्न आता है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, जो कि आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा पैटर्न देखेंगे, उतना ज्यादा पैटर्न देखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पैटर्न एनालाइज करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए, ये लिखा हुआ है 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। नाउ 1 और 1 तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 2 से देखना चाहें तो 2 इज व्हाट, 1 + 1 = 2, 3 इज व्हाट, 2 + 1 = 3, 5 इज व्हाट, 3 + 2 = 5। तो हर एक नंबर अपने प्रीवियस नंबर और उससे भी प्रीवियस नंबर का सम है। लाइक हम 2 के लिए लिखेंगे तो 1 + 1 दिस गिव्स 2, फिर 2 + 1 गिव्स 3, 3 + 2 गिव्स 5, 5 + 3 गिव्स 8, 8 + 5 गिव्स 13, 13 + 8 गिव्स 21, एंड 21 + 13 विल गिव 34। दिस इज योर आंसर। सो बेसिकली अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो कि ये क्वेश्चन अगर मैंने इतने सारे पैटर्न नहीं देखे होते तो क्या मुझे ये देख के समझ में नहीं आता, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जितने क्वेश्चंस आप देख लें, जितने नंबर ऑफ पैटर्न्स आप देख लें, मैक्सिमम पैटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, प्लस प्लस कंटिन्यूस हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में प्लस प्लस किया है। अब नंबर ऑफ टर्म्स में भी अलग अलग हो सकते हैं कि कौन से टर्म में क्या प्लस हो रहा, हो सकता है अल्टरनेटिव प्लस माइनस हो सकता है प्लस प्लस माइनस हो सकता है प्लस माइनस प्लस हो, कुछ भी हो सकता है इनटू डिवाइड भी हो। तो इन सारे पैटर्न्स को आप ध्यान में रखेंगे। Now, we'll move into next question, and this question is about triangle. Triangle, और broader aspect में बात करूं तो ये geometry का question होता है, geometry के concept के अंदर आता है ये question. Now, triangle की कुछ properties होती है, उसमें से एक property ये होती है कि triangle की जो sides होती हैं, तो उसमें जो sum of two sides होती हैं, triangle के sum, two sides का जो sum होता है, sum of two sides, will always be greater than the third side. ये बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। जहां पे सिर्फ अगर आपको साइड लेंस दी गई हो तो आप साइड लेंस के देख कर, उनके सम को देख कर ही आप बता सकते हैं कि कोई भी 3 साइड लेंस ट्रायंगल फॉर्म करेंगी या नहीं करेंगी। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ट्रायंगल है, इसकी 2 साइड्स दी हुई है, 4 और 7, कोई भी 2 साइड आप मान लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो 4 और 7, नाउ इन दोनों साइड का जो सम है 7 + 4 विच इज इक्वल टू 11, दैट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, या पलट के रीराइट करूं इस इक्वेशन को, तो थर्ड साइड शुड बी लेस देन 11। अब अगर कुछ के ऑप्शंस में जाइए, मतलब कि अगर इसको समझने की कोशिश की 11 से कोई भी छोटा हो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये सारे के सारे एक ट्राइंगल की साइड को फॉर्म कर सकते हैं, बट बिकॉज क्योंकि ये 11 से छोटे हैं, हम इवन 11 को भी कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है लेस देन, ना कि लेस देन और इक्वल टू, ये चीज नहीं लिखी हुई है यहाँ पे, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है लेस देन 11, तो हम 11 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस 4 ऑप्शन में अगर आप देखें तो 4 यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है, 5 कर सकता है, 8 कर सकता है, बट 11 नहीं कर सकता। यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर, तो कौन सा नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी अ मेजर ऑफ द थर्ड साइड बिकॉज दिस विल नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिस क्वेश्चन इज अबाउट परसेंटेज, जहां पे हम बात करते हैं अ बॉय अपीयर्स फॉर अ टेस्ट स्कोर्स एंड स्कोर्स 35% बट फेल्स बाय 10 मार्क्स. इफ ही हैड स्कोर्ड 46% ही वुड हैव पास्ड बाय 12 मार्क्स. व्हाट इज द पास मार्क्स? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस आप अपने खुद के एग्जाम से लेके पर्सपेक्टिव से लेके चलेंगे तो थोड़ा इजी होगा. प्रैक्टिकल आप इसको थोड़ा बोलना चाहिए रिलेट करके देखिए कि आपको लेट सपोज यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे इजी तरीका है कि लेट मैक्सिमम मार्क्स भी मैक्सिमम मार्क्स को एक्स मान लीजिए. नाउ उसने स्कोर कितना किया है, 35% मार्क्स स्कोर किए, उसके बाद भी वो 10 मार्क्स से फेल हुआ. मतलब कि 35% मार्क्स स्कोर किया, 35% ऑफ व्हाट? मैक्सिमम मार्क्स एक्स का स्कोर किया है, उसके बाद भी वो 10 मार्क्स से फेल हो गया. मतलब कि अगर 10 मार्क्स ज्यादा होते तो वो पास हो जाता, मतलब कि ये आपका पासिंग मार्क्स हो गया. सिमिलरली क्या लिखा, इफ ही हैड स्कोर्ड 46% ही वुड हैव पास्ड बाय 12 मार्क्स. मतलब कि 46% अगर वो मार्क्स स्कोर करता है मैक्सिमम मार्क्स से तो वो 12 मार्क्स से पास हो जाता, मतलब कि उसके 12 मार्क्स ज्यादा थे उसके पास. मतलब अगर उससे 12 मार्क्स कम भी होते तो वो पास हो जाता, मतलब कि दिस इज अगेन योर पासिंग मार्क्स. तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि किसी भी एग्जाम का एक पासिंग मार्क्स होना है. सो नाउ दिस विल फॉर्म माय इक्वेशन. 35% ऑफ एक्स मींस 0.35x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 46% मींस 0.46x माइनस 12. 12 को इधर लेके आएंगे, x वाले टर्म्स को आप एक साइड ले जाइए, 0.46x माइनस 0.35x. इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.11 x, यहाँ पे आएगा 22. सो x विल बी 22 अपॉन 0.11 विच इज विल गिव 200. सो दिस इज योर मैक्सिमम मार्क्स, नॉट द पास मार्क्स, दिस इज योर मैक्सिमम मार्क्स. नाउ बिकॉज x इज द मैक्सिमम मार्क्स, अब आपको कैलकुलेट करना है पास मार्क्स. दिस इज योर पास मार्क्स, आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखिए, आपको आपका पास मार्क्स मिल जाएगा. जैसे कि 35% ऑफ x मींस 200 प्लस 10. 35% ऑफ 200 मींस 35 अपॉन 100 into 200 plus 10. इससे आप दो जीरो से दो जीरो काट दिए, यहाँ पे 35 टू जा 70 plus 10 which will give you 80. So this is your pass mark. Guys, I'm hoping कि आपको इस क्वेश्चन समझ आया होगा. So इसके साथ मैं अपना सेशन एंड कर रहा हूँ and I hope कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. एंड ऑल्सो गाइज लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको इस जो क्रैश कोर्स की सीरीज है इसके आपके सारे वीडियोज आपको देखने को मिले. आपको वहाँ पे बायोटेक सेक्शन के जो वीडियोज हैं वो भी आपको देखने मिलेंगे, जहाँ पे आप वीरेन सर आपके लिए लेके आएंगे सारे जो भी बायोटेक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पार्ट बी पार्ट ए दोनों के डीबीटी के लिए. और मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए एप्टीट्यूड के सेक्शन का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा और आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा. सो गाइज प्लीज लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्मार्ट लर्निंग एकेडमी फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.